दाकड़ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम माइक्रोमीटर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो ये आपका माइक्रोमीटर का डायग्राम है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो इसका आविष्कार कहता कुछ नहीं कहता। तो जो इसका आविष्कार कहता वो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, जीन पालमर था। उन्होंने इस माइक्रोमीटर का आविष्कार कहता। तथा अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि जिसपे प्रत्यक्ष माप ली जा सके। जैसे कि हम यहाँ पे किसी डायमीटर को चेक करेंगे तो उसका माप हम यहीं पे पढ़ लेंगे, तो इसको डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अगर हम बात करें कि किस धातु को बनाया जाता है, तो ये इनवॉल स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, इनवॉल स्टील का बनाया जाता है। इनवॉल स्टील वो स्टील होती है जिस स्टील के अंदर 36% से देखकर अगर निकल मिला दिया जाए तो क्या कहलाती है, इनवॉल स्टील कहलाती है। यानी एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जिस स्टील के अंदर 36% से अगर अधिक निकल मिला होगा तो कौन सी स्टील कहला जाएगी, आपकी इनवॉल स्टील कहला जाएगी। और इनवॉल स्टील में एक चीज होती है कि नॉन मैग्नेटिक होती है। क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक जॉब को भी मापोगे तो आप इसमें आसानी से माप सकते हो। ठीक है, तो तीन चीजें तो आपकी हो गई। वो चौथी चीज जो आपकी आ रही है कौन सी, इसका प्रिंसिपल। तो जो इसका जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है या लीड एंड पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यहाँ पे एक और प्रिंसिपल दे देता है, या तो वो नट एंड बोल्ट दे देगा या फिर लीड एंड पिच दे देगा। अगर ये दोनों भी ना दे तो ये स्क्रू के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। तो तीनों में से आपको एक वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है, तो नट एंड बोल्ट या लीड एंड पिच के सिद्धांत पर या स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नट एंड बोल्ट के सिद्धांत, तो नट और बोल्ट कैसे काम करवा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका स्पिंडल है इसी के ऊपर क्या होता है, आपको बोल्ट बना होता है। तथा जो आपका जो बैरल स्लीव है इसके अंदर क्या, अंदर नट बना दिया जाता है। इस कारण से उसका जो सिद्धांत बताया जाता है क्या बताया जाता है, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका प्रयोग आउटसाइड डायमेंशन चेक करने में किया जाता है। जैसे आउटसाइड डायमेंशन का मतलब हो गया कि बाहर डायमीटर चेक करना होगा, ये किसी बार थिकनेस चेक करने हो, किसी की मोटाई यानी या किसी की चौड़ाई चेक करनी हो, तो आउटसाइड डायमेंशन मिल जाए किसका प्रयोग करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का। अगर हम इनसाइड डायमेंशन चेक करने तो उसके लिए हम कौन सा कौन से माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगर हमें किसी होल की गहराई चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तीनों जैसे आउटसाइड डायमेंशन चेक करने तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, इनसाइड डायमेंशन चेक करने तो इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, और किसी होल की या स्लॉट की गहराई चेक करने तो उसके लिए हम डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि तीनों के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर की यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी। और बोलने के लिए पर मैं कहता हूँ तीनों चीजें एक से हम चेक कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें तीनों अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें इसके लिस्ट काउंट की, तो एक तो होता है आपका माइक्रोमीटर, जो ये मैंने बना रखा है क्या है, माइक्रोमीटर। तो जो इसका जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। किसमें, मेटिंग में। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो जो ब्रिटिश में जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच क्या हो जाता है, इसका ब्रिटिश में लिस्ट काउंट होता है। और ये जो दूसरा लिख रखा है, मैंने क्या लिख रखा है, वर्नियर माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का मतलब है कि इसी के ऊपर क्या है, एक वर्नियर स्केल बना दिया जाता है। तो इसको क्या कर दिया जाता है कि वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर में फर्क कितना सा है कि जो आपका जो बैरल स्लीव है इसके ऊपर एक और स्केल बना दिया, जिसका क्या कौन सा स्केल बना दिया, वर्नियर स्केल बना दिया। इसी कारण से इसी को हम क्या कर सकते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर। फर्क इतना सा आया कि जो इसका बैरल है, बैरल स्लीव है, इसके तीन नाम है, बैरल स्लीव है, उसके ऊपर एक को वर्नियर स्केल बना दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, वर्नियर माइक्रोमीटर बोल दिया। तो जो ये वर्नियर स्केल बनाया तो उसका कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। तो जो इसकी एक्यूरेसी थी वो या लिस्ट काउंट था वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कितना था, 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 10 माइक्रोन की शुद्धता थी यहाँ पे। तो ठीक है, और हमने इसमें एक वर्नियर स्केल बना दिया, इस कारण से जो इसकी शुद्धता हुई कितनी हुई, 0.001 मिलीमीटर, यानी कि एक माइक्रोन की शुद्धता में क्या है, रीडिंग ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो माइक्रोमीटर है उससे वर्नियर माइक्रोमीटर क्या है, 10 गुना और भी अधिक परिशुद्ध है।
तो ये वन डे माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर का ध्यान रखना, अगर आपसे माइक्रोमीटर का काउंट पूछे तो आप कितना बताओगे 0.01 मिलीमीटर, अगर आपसे वन डे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछेगा तो कितना बताना 0.001 मिलीमीटर। और अगर आपको मैट्रिक में, जैसे मैट्रिक में ध्यान रखो, ब्रिटिश में आपको ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा, जो भी आपका मैट्रिक में रहेगा उससे एक वो 0.00 आप बढ़ा दोगे तो आपका किस में आ जाएगा, ब्रिटिश में आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट कौन कौन से, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रेम की। जो पहला नंबर है तो पार्ट क्या है, फ्रेम। ये जो पूरा बना हुआ सी आकार है ये क्या कहलाता है, इसका फ्रेम कहलाता है। तथा ये जो फ्रेम होता है किस तरह बनाया जाता है, तो फ्रेम हमेशा या तो आप इनवॉइस का तो पूरा बना होता है तो इसको इनवॉइस का भी बना सकते हो, या फिर इसको कास्ट आयरन का भी बना सकते हो, या फिर फोर्ज स्टील का भी बना होता है। और चौथा जो मेटल है इसका कौन सा है, एल्यूमिनियम अलॉय। एल्यूमिनियम अलॉय का भी बहुत सी बार इसका फ्रेम बना लिया जाता है। तो चार मेटल मैंने आपको बता दिए, या तो आप इनवॉइस का बना दो, या इसको कास्ट आयरन बना दो, या फोर्ज स्टील का बना दो, या एल्यूमिनियम अलॉय का भी बना सकते हो। तथा फ्रेम के ऊपर क्या क्या लिखा होता है ये भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, कि जो माइक्रोमीटर की रेंज लिखी होती है किसके ऊपर बनी होती है, लिखी होती है तो किसके ऊपर बनी होती है, फ्रेम के ऊपर इसकी रेंज लिखी होती है। जैसे कि आप लिखा हो 0 से 25, ये क्या है मिलीमीटर, यानी कि जो इसकी रेंज है 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक की इसकी रेंज है। यहाँ पे किस में लिखा है मैंने, मैटिंग में। अगर ये अगर ब्रिटिश वाला होता तो यहाँ पे क्या लिखा रहता, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, यानी एक एक इंच के गैप में इसके क्या है साइड या रेंज पाई जाती है। जैसे ये 0 से 25 है, अगर दूसरा होगा तो कितना होगा 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, तो ये क्या है इसकी अलग अलग रेंज पाई जाती है, पर 25 मिलीमीटर की रेंज इसकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो आपका जो पहला आ गया कौन सा, फ्रेम। और इसके ऊपर एक और चीज लिखी होती है, इसका लिस्ट काउंट। जो भी माइक्रोमीटर होगा अगर उसका जो लिस्ट काउंट लिखा होगा तो किसके ऊपर लिखा होगा, ये भी इसके फ्रेम के ऊपर ही लिखा रहता है। तो तीन चार चीज हो गई, और एग्जाम में एक और चीज पूछ ली जाती है कि जो इसका जो फ्रेम बनाता है कौन से आकार में बना होता है। तो जो इसका फ्रेम है आपको दिख रहा होगा, सी को जैसे उल्टा कर दिया हो या लटका दिया हो, तो ये सी आकार में इसका फ्रेम बना हुआ। और अगर हम एक और चीज देखेंगे कि इसका जो लॉकिंग स्क्रू है वो भी किसके ऊपर, किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्रेम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आपका जो पहला पार्ट है कौन सा आ गया, फ्रेम। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते कौन सा है, एनविल। एनविल कहां पे दिख रहा है, जो ये वाला जो पार्ट कहलाता है पूरा, ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका, एनविल कहलाता है। ठीक है, तो एनविल के साथ क्या है आपका, इधर एक टिप जुड़ी होती है, वो टिप किसी बनाई जाती है, ये वाली और ये वाली जो टिप बनी होती है किसी बनी होती है, कार्बाइड की टिप बनी होती है। अब जो कार्बाइड है, कार्बाइड टिप क्यों बनाएंगे, ताकि ये अगर हम किसी डायमीटर को चेक करेंगे तो ये क्या है इसका जो एनविल और ये स्पिंडल वाला हिस्सा घिसे ना और इसकी एक्यूरेसी खराब ना हो, यानी कि इसमें जीरो एरर ना है, इसलिए हम इसको किसका बना देते हैं, कार्बाइड का बना देते हैं, आगे वाली जो टिप होती है कार्बाइड, ताकि घिसे ना। तो एनविल के साथ क्या लगे होते हैं आपके, एक टिप लगी होती है। तो दो पार्ट तो आके मेनली ये हो चुके। अगर हम अब बात करें स्पिंडल की, किसकी स्पिंडल की, तो जो आपका स्पिंडल है ये वाला जो मूविंग पार्ट होता है, किसमें माइक्रोमीटर का जो आगे पीछे मूव करता है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है आपका, स्पिंडल कहलाता है। तो स्पिंडल में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, जैसे कि जो स्पिंडल का आगे वाला जो भाग होता है उसमें भी कार्बाइड टिप लगी हुई है। ठीक है, और जो दूसरी चीज है कि जो स्पिंडल होता है ये बेरस लिए इसके अंदर अंदर रहता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ से लगभग जो स्पिंडल होता है इसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है, किससे, थिंबल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और जो स्पिंडल होता है इसी के अंदर क्या है, चूड़ी बनी होती है, कौन सी, थ्रेड बनी होती है ऐसे, और यहाँ पे जाके थिंबल से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्पिंडल। जैसे हम इसके थिंबल, सॉरी ये जो थिंबल है, थिंबल को आगे पीछे मूव करते हैं तो ये आपका स्पिंडल है, ये भी क्या है आगे पीछे मूव होता रहता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है उसमें किस प्रकार की चूड़ी बनी होती है, तो ऑप्शन अगर आपको फाइन थ्रेड दे दे तो फाइन थ्रेड भी इसमें बनी होती है, या फिर वहां पे दे दे कि बी ए एग में बटस स्क्वायर या वी थ्रेड, तो वी शेप में इसकी क्या बनती है, थ्रेड बनती है। अब वी शेप में बहुत सारे थ्रेड होते हैं, जैसे कि बी एस डब्ल्यू और बी एस बी और भी वी थ्रेड बहुत से आकार की होती है, तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा बी ए, कौन से थ्रेड है ये, बी ए। बी ए थ्रेड भी बी शेप में बने होते हैं, मगर जो बी ए थ्रेड होते हैं उसका जो एंगल होता है कितना होता है, 47.5 डिग्री का, इसका क्या होता है एंगल होता है, कितना होता है 47.5 डिग्री का, इसमें एंगल कटा होता है इसमें बी ए थ्रेड में। तो इसके अंदर जो थ्रेड बने होते हैं स्पिंडल के अंदर वो कौन सी होते हैं, बी ए थ्रेड बने होते हैं। अगर कोई अगर आपसे पूछे कि जो इसकी पिच होती है वो कितनी होती है,
एक चीज देख लो, जो यहाँ से यहाँ की जो चूड़ी बनी हुई है कितनी लंबाई में बनी हुई है, 25 मिलीमीटर में, कितने में बनी हुई है, 25 मिलीमीटर, यानी कि जो 25 मिलीमीटर का जो स्पिंडल का जो भाग है उससे भी क्या आपकी थ्रेड बनी हुई है, ठीक है। तो उसकी जो पिच रहेगी कितनी रहेगी, 0.5 मिलीमीटर, कितनी रहेगी, 0.5 मिलीमीटर क्या रहेगी इसकी पिच रहेगी। तो 0.5 मिलीमीटर की जब पिच होगी तो 25 मिलीमीटर की लंबाई में कितनी चूड़ी बन गई आपकी, टोटल 50 चूड़ी बन जाती है, कितनी चूड़ी बन जाती है, 50 चूड़ी। तो 25 मिलीमीटर की लंबाई में 50 चूड़ी बनी होती है, किसके अंदर, स्पिंडल के अंदर। ये किसकी बात है आपकी, ये बात आ जाती है आपकी मेट्रिक माइक्रोमीटर की। अगर यही बात है तो वो किसमें बोल दे, ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश में क्या होता है, जो स्पिंडल होता है उसमें कितने, एक इंच में 40 चूड़ी बनी होती है, कितनी बनी होती है, 40 चूड़ी बनी होती है। और जो उसकी पिच रहेगी, सॉरी, वहां पे क्या है, एक इंच पूरा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसकी जो रेंज है उतनी ही रेंज में क्या है, इसमें चूड़ी बनी होती है। जैसे कि इसकी 0.25 मिलीमीटर है तो इसमें 25 मिलीमीटर में चूड़ी बनी है। अगर यही बात ब्रिटिश में करता तो ब्रिटिश में क्या है, एक इंच में कितनी चूड़ी बनी है, तो एक इंच में कितनी चूड़ी बन जाती है यहाँ पर, 40। तो उसकी जो पिच हो जाती है कितनी हो जाती है, 1/40 इंच क्या हो जाती है इसकी पिच हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो मेटिंग में है 25 मिलीमीटर में 50 चूड़ी बनी होती है, और इंच में बात करें तो इंच में, एक इंच में 40 चूड़ी बनी होती है, उसका जो एरिया रहेगा ना एक इंच उसमें 40 चूड़ी बना दी जाती है। तो इसकी बात करें तो इसकी पिच कितनी होगी, 0.5 मिलीमीटर होगी, और उसकी जो पिच रहेगी 1/40 इंच हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, इसमें कौन सी थ्रेड बनी होती है, बीए थ्रेड बनी होती है, फाइन वाली थ्रेड बनी होती है। और अगर हम बात करें कि जो बीए का एंगल होता है कितना, 47.5 डिग्री का एंगल होता है। तो ये किसकी बात हो गई आपकी, स्पिंडल की बात हो गई। स्पिंडल क्या होता है, इसके थिंबल के साथ जुड़ा होता है, जैसे जितना थिंबल आपका मूव करेगा उतना ही ये आगे बढ़ता हुआ चलता रहेगा। तो ये क्या है आपका, स्पिंडल। तो तीसरी चीज क्या आ गई आपकी, स्पिंडल। अगर हम अब हम बात करें लोब नट की, किसकी बात करेंगे, लोब नट की। तो ये यहाँ पे लोब नट लगा हुआ था, देखो आपकी जो फ्रेम है, फ्रेम के साथ ये लोब नट जुड़ा हुआ है, और ये क्या है आपका स्पिंडल। तो स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, लोब नट। जैसे आपने कोई भी अगर रीडिंग यहाँ पे नाप ली तो उसको लॉक करना है इसके स्पिंडल को। तो इसके स्पिंडल लॉक करने के लिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लॉक नट लगा हुआ है, यानी कि स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है आपका, लॉक नट। तो किसे याद रहा कि लॉक नट का क्या कार्य है माइक्रोमीटर, तो स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है आपका, लॉक नट। तो तीसरी जो सॉरी चौथी जो आगे आपकी कौन से आ गई, लॉक नट आ गई। और जो पांचवी चीज है आपकी क्या है, ये वाला जो भाग कहलाता है, ये क्या है, बैरल स्लीव या हब कहलाता है। कौन सा भाग कहलाएगा आपका, बैरल स्लीव या हब कहलाता है, ठीक है। तो इसके तीन नाम है, क्या अंदर से होलो होता है तथा इसी के अंदर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है चूड़ी बनी हुई है, इसको हटा देता हूँ, वो अलग से बता दूंगा आपको, बताना बोलता। तो इसमें क्या होता है कि जो बैरल स्लीव या हब होता है इसके अंदर की तरफ क्या है, इसमें इंटरनल चूड़ी बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नट। तभी हमने बोला कि ये नट एंड बोल्ट के सिद्धांत का कार्य कर रहा है। तो हमने बोल्ट तो किसके ऊपर बनाते था, स्पिंडल के ऊपर बनाते थे, और जो नट बनाया आपने वो बैरल स्लीव या हब के ऊपर बनाया। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना कि तीनों एक ही नाम है, बैरल स्लीव या हब, ये अंदर क्या होता है, होल होता है, इसलिए इसको क्या बोला है, बैरल स्लीव या हब बोला गया। तो और भी मेन चीज ये है कि जो बैरल स्लीव हब होता है इसके ऊपर आपका क्या है, डेटम लाइन बनी होती है। कौन सी लाइन बनी होती है, डेटम लाइन, उसी को मैंने थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके बताया। तो ये आपकी कौन सी लाइन है, डेटम लाइन बनी होती है इसमें। और इस पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ तो कौन से डिवीजन बने होते हैं, मेन डिवीजन, और नीचे की तरफ कौन से डिवीजन बने होते हैं, सब डिवीजन। तो ये डेटम लाइन किसके ऊपर बनी है, बैरल स्लीव या हब के ऊपर बने होते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो डेटम लाइन बनी होती है किसके ऊपर बने होते हैं, तो बैरल स्लीव या हब के ऊपर वो क्या है, डेटम लाइन बनी होती है। तो तीन चार चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, किसके अंदर क्या है, एक नट बना होता है या इंटरनल थ्रेड कटी होती है, किसके अंदर, बैरल स्लीव या हब के अंदर। और जो डेटम लाइन बनी होती है किसके ऊपर बनी होती है, इसी के ऊपर, बैरल स्लीव या हब के ऊपर बनी होती है। तो जो इसका जो 6 नंबर का पार्ट है वो क्या है आपका, थिम्बल है। तो थिम्बल कहाँ है आपका, जो ट्यूबलर बॉक्स टाइप है ये क्या कहलाता है, थिम्बल कहलाता है। इसका जो पीछे वाला भाग है आप देखो, थोड़ा सा बड़ा करके पता रखा है, ये क्या है, नर्लिंग किया हुआ रहता है, ताकि अगर हम इसको घुमाएंगे तो आसानी से इसमें हमारी ग्रिपिंग बन जाएगी। तो नर्लिंग किया हुआ रहता है ट्यूबलर का ये वाला भाग, और मैंने ये लॉकिंग नट ना बताया था, लॉकिंग नट भी क्या है, नर्लिंग किया हुआ रहता है ताकि आसानी से हम इसको ग्रिपिंग बन जाए और आसानी से हम इसको टाइट कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नलिंग बना देते हैं। यहाँ पर नलिंग बनी हुई है, इसमें नलिंग है, और जो डेटा स्टॉप रहेगा उसको क्या रहती है आपकी, नलिंग रहती है। जो थिम्बल होता है, थिम्बल का जो आगे वाला भाग होता है क्या क्या होता है, बेवल क्या होता है, क्या क्या रहता है, बेवल क्या होता है, ताकि ये मतलब तिरछा क्या होता है,
तो इसी के ऊपर क्या है आपका थिम्बल डिवीजन भी बने होते हैं। कौन से डिवीजन बने होते हैं आपके यहाँ पे? थिम्बल डिवीजन भी बने होते हैं, ठीक है। तो थिम्बल भी क्या क्या है आपका कि थिम्बल डिवीजन आपके यहाँ बना हुआ ये नलिंग केव पार्ट रहता है। और हम बात करें कि जो आपका स्पिंडल है, स्पिंडल किसके साथ जुड़ा होता है? तो ये जो स्पिंडल जुड़ा होता है किसके साथ जुड़ा होता है? आपका थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। जितना ये घूमेगा उतना ही आगे बढ़ता और चलता है, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका थिम्बल हो गया। अब जो लास्ट पार्ट बच रहा है क्या है इसका? रेजेड स्टोव। तो रेजेड स्टोव के बारे में आप बता दूं कि जो रेजेड स्टोव होता है इसका एक कार्य होता है, जैसे कि हम रीडिंग ले रहे हैं, तो जब मैं रीडिंग लेने लगा तो मैंने थिम्बल को ज्यादा टाइट कर दिया, या कोई दूसरा रीडिंग लेने लगा तो उसने कम टाइट कर दिया, तो एकदम एक समान रीडिंग ना आ रही। तो उसी असमानता से बचने के लिए हम क्या लगाते थे इसके पीछे? एक रेजेड स्टोव लगाते थे। यानी कि सभी ऑपरेटर द्वारा या सभी कारीगर द्वारा यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने के लिए हमने क्या लगाते उसके पीछे? रेजेड स्टोव लगा दिया। रेजेड स्टोव क्या होता है, जैसे कि एक समान दाब जब पड़ जाता है आगे की तरफ इसके यहाँ पे, तो उसके बाद ये क्या है इसमें टर टर की आवाज आने लग जाती है। अब वो टर टर की आवाज क्यों आती है? क्योंकि इसमें कौन सी थ्रेड बने होती है? इसमें बटर थ्रेड बने होती है, ताकि जब उसके ऊपर ज्यादा लोड आ जाएगा तो थ्रेड क्या है पीछे की तरफ वापस आने लग जाती है। तो उस कारण से इसमें क्या आती है? टर टर की आवाज आती है। तथा ये जो बना होता है रेजेड स्टोव, इसमें क्या है नलिंग केव रहता है, और इसमें कौन सी थ्रेड बनी होती है? तो इसमें क्या है बटर थ्रेड बनी होती है। मैं बता दूं कि जो बटर थ्रेड होती है इसके एक तरफ का जो एंगल होता है 45 डिग्री, और दूसरी तरफ का एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये वाली थ्रेड कहाँ पे बनी होती है? आपके रेजेड स्टोव के अंदर बटर थ्रेड बनी होती है। और तो हमारे कितने पार्ट हो गए? 7 पार्ट हो गए। थोड़ा सा मैं इनके बारे में दोबारा समझा दूं कि एक पहला फ्रेम था, इसी एक बना होता था, ये अलॉय स्टील का या कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील या एल्यूमिनियम अलॉय का बनाया गया था। दूसरा था अपना एनविल, एनविल के आगे वाला जो भाग है उसमें क्या है कार्बाइड टिप लगी हुई थी। और जो तीसरा भाग था अपना स्पिंडल, स्पिंडल क्या है थ्रेड बनी हुई थी, कौन सी बीए थ्रेड बनी हुई थी 0.5 मिलीमीटर की पिच में, और 25 मिलीमीटर में 50 जोड़ी बनी हुई थी आपकी। और इसके बाद अगर हम बात करें लॉग नट, तो लॉग नट भी क्या है जो स्पिंडल होता है स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लॉग नट ही करता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखें बेलन सिलीवर, इसके इंटरनल थ्रेड बनी होती है, नट लगा होता है इसके अंदर ही, और इसके ऊपर डेटन लाइन बनी होती है। तथा जो तीसरी चीज थी इसमें, सॉरी जो इसके बाद था क्या था थिम्बल था, तो थिम्बल क्या है ट्यूबुलर बॉक्स टाइप होता है, और इसके अंदर क्या है थिम्बल डिवीजन बने होते थे। तो ये चीजें सारी थी। आपका क्या था रेजेड स्टोव, जो क्या है यूनिफॉर्म या इस समान प्रेशर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा इसमें कौन सी थ्रेड बनी होती है? बटर थ्रेड बनी होती है। तो ये सारी चीजें इसके पार्ट थे, और ये यहाँ पे आपको बता दिया। अब मैं इसके बाद थोड़ा वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में बता देता हूँ। तो वर्नियर माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ये पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हमने इसको थोड़ा बड़ा करके बता दिया इस वाले पार्ट्स को। तो यहाँ पे क्या वर्नियर स्केल बना दिया, क्या बना दिया वर्नियर स्केल बना दिया। तो इसके भी जो पार्ट थे दो वो भी आ जाएंगे इसमें, और एक वर्नियर स्केल इसमें बता दिया जाएगा। तो जो पहला पार्ट है कौन सा आपका? डेटम लाइन। तो ये जो लाइन थी ये कौन सी लाइन कहलाती है आपकी? डेटम लाइन। तो डेटम लाइन किसके ऊपर बनी होती है? मसा बेरल स्लीव हाफ के ऊपर क्या है आपके ये डेटम लाइन बनी हुई है। इसके बाद दूसरा आ गया आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल वर्नियर माइक्रोमीटर और वर्नियर स्केल भी किसके ऊपर बना होता है? बेरल स्लीव हाफ के ऊपर आपका ये दूसरा स्केल भी बना होता है, जो ऊपर की तरफ बना जाता है। डेटम लाइन के जो ऊपर बनाया जाता है वो कौन सा है? वर्नियर स्केल बना दिया। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है आपकी यहाँ मेन रीजन। तो ये क्या है इसमें, जब हमने यहाँ बताया कि इसकी जो पिच होती है 0.5 मिलीमीटर की होती है, तो इसमें क्या दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, मेन डिवीजन एक सब डिवीजन। मेन डिवीजन जो होते हैं वो फुल मिलीमीटर के निशान होते हैं, और जो सब डिवीजन होते हैं हाफ मिलीमीटर के निशान होते हैं। तो ये जो पार्ट जो सी वाला जो है ये क्या है आपके मेन डिवीजन है, फुल मिलीमीटर के निशान इस पे अंकित रहते हैं। और इसके बाद क्या है आपके सब डिवीजन, सब डिवीजन वही है हाफ डिवीजन के जो निशान है यहाँ पे भी हाफ डिवीजन के नीचे बता रखे हैं, और यहाँ पे दोनों ही नीचे बता रखे हैं मैंने। यहाँ पे फुल डिवीजन ऊपर बता रखे थे और मेन सब डिवीजन नीचे थे, मगर यहाँ पे फुल डिवीजन और सब डिवीजन दोनों क्या है नीचे बना दिए जाते हैं जब आपका वर्नियर स्केल ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो आपसे एक चीज पूछ जाती है कि जो थिम्बल होता है जो उसके निशान होते हैं वो कितने भागों में बांट लेते हैं? तो हमेशा जो निशान अंकित होते हैं अंतराल में होते हैं 5-10, 5-5 के अंतराल करते जाओ तो 50 तक आपके क्या है 50 तक चलते रहते हैं। तो कितने 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 अंतराल पे 5, 10, 15 इसी के बन रहते हैं। और एक चीज और बता दूं, जो माइक्रोमीटर का जो लिस्टकाउन होता है वो भी एक इसके छोटे खाने के मान के बराबर ही होता है। जैसे अगर आप इसका जो जैसे मान लो कि 0.5 मिलीमीटर आपका आगे बढ़ा, तो ये कितने कितने भागों में बटा हुआ है 50 बराबर भागों। तो जो इसका जो डिस्काउंट रहेगा वो भी क्या है 0.01 है, और जो इसके एक खाने का मान है वो भी कितना है 0.01। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो थिम्बल डिवीजन होता है थिम्बल डिवीजन के एक खाने का मान कितना होता है? तो कितना होता है इसका एक खाने का मान 0.01 मिलीमीटर होता है। कितना होता है 0.01 मिलीमीटर इसके एक खाने का मान होता है, और वही आपका क्या होता है
डिस्काउंट भी होता है। तो आई थिंक आपका यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया। अब दो तीन चीजें और बाकी रह जाती है माइक्रोमीटर के अंदर कि जैसे एक तो इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, तो एक तो रीडिंग लेना सीखेंगे हम, और दूसरी इसमें जीरो एरर होता है, तो जीरो एरर कैसे चेक किया जाता है या किस किस प्रकार के एरर होते हैं जीरो एरर में, और एक और चीज पढ़ेंगे कि इसका डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। तो तीन चीजों को अब इसके बाद हम देखेंगे इसका डिस्काउंट, इसका माइक्रोमीटर का जो डिस्काउंट होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो इसका जो डिस्काउंट निकाला जाता है उसके लिए एक फॉर्मूला है कि माइक्रोमीटर की पिच, इसकी माइक्रोमीटर की जो स्पिंडल होता है उसकी पिच कितनी है और टोटल थिंबल डिजन की संख्या कितनी है। थिंबल डिजन की जो संख्या रहेगी वो अपने आप रहेगी, जो मेट्रिक वाला जो माइक्रोमीटर होता है उसमें जो थिंबल जो डिजन की संख्या होती है कितनी होती है, यहाँ पर जैसे माइक्रोमीटर बता रखा है मेट्रिक में, तो इसकी कितनी 50। अगर हम इसी अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश में कितनी होती है 25 थिंबल डिजन की संख्या होती है। और अगर हम पिच की बात करें तो जैसे मेट्रिक वाला है तो मैंने बताया था उसकी जो पिच होती है कितनी होती है 0.5 मिलीमीटर, तो किसमें होती है मेट्रिक में हो गई। और जो इंच में जो उसकी पिच होती है वो कितनी होती है 1/40 इंच इसकी पिच रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मेट्रिक में जो डिस्काउंट निकाला जाता है माइक्रोमीटर का क्या है, पिच ऑफ द माइक्रोमीटर, तो मतलब माइक्रोमीटर की पिच कितनी है, तो वो कितनी रहती है इसकी 0.5 मिलीमीटर, तो किसकी रहती है आपकी माइक्रोमीटर की पिच रहती है। तथा टोटल थिंबल डिजन, तो जो टोटल जो थिंबल डिजन रहते हैं किसके ऊपर बने होते हैं थिंबल डिजन, थिंबल के ऊपर बने होते हैं, तो कितने 50। तो आप इसको अगर इसमें भाग दोगे कितना आएगा 0.01 मिलीमीटर आपका यहाँ पे इसका डिस्काउंट आ जाएगा, किसमें आया मेट्रिक में। अब बात करें ब्रिटिश वाले की, तो ब्रिटिश में क्या होता है इसकी जो पिच होती है ब्रिटिश माइक्रोमीटर में, तो उसकी जो पिच होती है कितनी होती है 1/40 इंच रहती है उसकी पिच। और यहाँ पे अगर थिंबल डिजन की बात करें तो वहां पे कितना हो जाता है ब्रिटिश वाले में ओनली 25 रह जाता है, यानी कि जो पूरा ट्यूबुलर बॉक्स होता है उसको ओनली 25 भागों में बांट दिया जाता है। तो ये कहां पे चला जाएगा, इसमें क्या लिख दोगे क्या आएगा, 12 वाली संख्या गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, 25/40 से करोगे 1000 आपका आ गया। तो एक में 1000 भाग दोगे कितना आएगा, वही 0.001 इंच। तो ये किसकी हो गई, ये मेट्रिक कितनी हो गई 0.01 मिलीमीटर, और ब्रिटिश की बात करें तो क्या रहेगा 0.001 इंच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे इसके जीरो के बारे में पढ़ेंगे। तो जीरो एरर क्या होता है, जब ये दोनों आपस में फेस मिला दिए जाते हैं इसके एंड्यूल का और स्पिंडल, यानी कि स्पिंडल को इसके फेस के पास जाके टच कर दिया, तो जब ये दोनों आपस में फेस मिले हो तब जो थिंबल डिजन है और जो डेटम लाइन की जीरो है, यानी कि डेटम लाइन की जीरो और थिंबल डिजन की जीरो दोनों क्या है आपस में मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा इसमें क्या है जीरो एरर है। तो जीरो एरर भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के जीरो एरर होते हैं, एक तो आपका हो गया पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है आपका नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, जब आपका जो डेटम लाइन की जीरो है और जो थिंबल डिजन है, तो थिंबल डिजन क्या है जीरो, जो डेटम लाइन जीरो है उससे क्या है थोड़ा नीचे की तरफ रहते हैं, यानी कि नीचे बोलो या आप कहो तो कि पीछे की तरफ जो जीरो रहते हैं उसको क्या कहा जाता है पॉजिटिव जीरो एरर कहा जाता है। और तथा दूसरा जो एरर होता है कौन सा होता है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में क्या होता है कि जो डेटम लाइन की जो जीरो है तथा थिंबल डिजन क्या है इसके ऊपर की तरफ या आगे निकल जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है नेगेटिव जीरो एरर। तो दोनों कंडीशन में क्या कहा जाता है, जो पॉजिटिव जीरो एरर रहेगा तो उसमें क्या कर देते हैं हम इसको घटा देते हैं, और जो नेगेटिव एरर रहेगा उसमें क्या है प्लस कर देते हैं। कितना प्लस करना है वो यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वो आगे निकल चुका है। जैसे मान लो कि 3 डिजन आगे निकल चुका है नेगेटिव में, तो हम कितना प्लस कर देंगे 3 डिजन जो रीडिंग होगी, जैसे मान लो कि 24.50 है तो उसमें क्या कर देंगे हम उसको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा इसको प्लस 0.03 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा उसकी रीडिंग 24.53 आपकी हो जाएगी इसकी रीडिंग हो जाएगी। और अगर जैसे ही पॉजिटिव एरर है तो हम क्या कर देंगे उसको घटा देंगे, सपोज करो ये जीरो यहाँ पे तीसरी लाइन 3 डिजन आगे निकल चुका है, तो उसी के दौरान हम क्या करेंगे जब इसमें कर देंगे अगर नेगेटिव में, जैसे ये पॉजिटिव एरर आ गया 0.03 है हमका, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या कर देंगे उसको पॉजिटिव में क्या घटा देंगे, तो उसकी जो रीडिंग आ जाएगी कितनी आ जाएगी 24.47 इसकी आ जाएगी रीडिंग आ जाएगी। तो एरर देख लो आप जीरो एरर दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एक नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि जब आपकी जो डेटम लाइन की जीरो है और जो थिंबल डिजन पीछे रह जाती है नीचे की तरफ रह जाती है, तो कौन सा आ गया पॉजिटिव। और अगर ये अगर थिंबल डिजन डेटम लाइन की जीरो से ऊपर निकल जाता है तो कौन सा आ गया आपका नेगेटिव जीरो एरर कहलाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के तो एरर हो गए। और अब हम देखेंगे इसकी रीडिंग लेना, रीडिंग कैसे ली जाती है, तो ये जो माइक्रोमीटर होता है तो उसमें हम रीडिंग लेना देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो मेन डिजन है वो कितने भाग खुले हुए हैं। ये जो मैंने पहले बताया था ऊपर वाले जो भाग होते हैं मिलीमीटर में होते हैं, तो नीचे वाले जो भाग रहते हैं किसमें होते हैं हाफ मिलीमीटर में बने होते हैं,
तो हम देखेंगे मेन डिजाइन के कितने भाग हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। तो आपका 10 यहाँ पे बना हुआ है, 10 के बाद 15 भी है, 15 के बाद 16 और 17, तो यानी कि आपके जो फुल डिजाइन कितने हैं 17 मिलीमीटर तो आपके क्या हो गए फुल डिजाइन हो गए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हाफ डिजाइन भी हमें दिख रहा है ना दिख रहा है, तो इसमें आप देखोगे तो इसका हाफ डिजाइन भी दिख रहा है। तो हाफ डिजाइन कितने का 0.5 मिलीमीटर का, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम 0.5 मिलीमीटर। अगर ये वाला हाफ डिजाइन दिख ना रहा होता तो हम क्या करते इसमें यहाँ पे हम क्या करते इसको जीरो लिख देते। उसके बाद हम देखेंगे थिंबल डिजाइन, तो थिंबल डिजाइन जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका आ गया 15 पे है ठीक है, और ये आपका 20 है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे सपोज करना 15 पे आ गया, ये 20 है, 25 यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 पे आ जाएगा, ये 5 है। सपोज करो आपका जो थिंबल डिजाइन है वो कौन सी लाइन डेटम लाइन की कौन सी लाइन से मैच कर रहा है आपके 15 लाइन से मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे जितना देर में उसको 15 यहाँ पे लिख दो, तो आपका जो रीडिंग आ जाएगी कितनी आ जाएगी 5 6 यहाँ पे 7, तो यानी कि 17.65 मिलीमीटर आपकी क्या आ गई इसकी रीडिंग आ गई। 21 माइक्रोमीटर की बात है, ये ओनली आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात है। अब हम बात करेंगे इसके वन डे माइक्रोमीटर, तो फ्रेंड्स वो तो मैंने बता दिया आपको कि माइक्रोमीटर की रीडिंग है, अब हम लेंगे वन डे माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। तो इसमें भी क्या है कि जो नीचे की तरफ बना रखना सारा मेन जो वीडियो बनी हुई है, तो सबसे पहले देखेंगे कि मेन डिजाइन कितना है, तो 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर पूरा हो गया, 10 के बाद 11 और 12, तो 12 मिलीमीटर तो आपका क्या है पूरा मिलीमीटर आ जाता है ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 12 मिलीमीटर तो आपका पूरा पूरा आ गया। अब इसके बाद देखेंगे सब डिजाइन, सब डिजाइन कौन से है कि हाफ मिलीमीटर, तो हम ये देखेंगे हाफ मिलीमीटर वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो कि 12 के बाद क्या है हाफ मिलीमीटर वाला भी हमें दिख रहा है, तो यानी कि हम इसका कितना जोड़ देंगे 0.5 मिलीमीटर का जोड़ देंगे। 3 डिजिट में ले रहा हूँ, एक को जीरो बढ़ा दी कोई बात नहीं वो काम आएगी अपनी। इसके बाद हम देखेंगे थिंबल डिजाइन में कौन सा वाला भाग हमारे इससे डेटम लाइन से मैच कर रहा है, तो इसका कौन सा वाला भाग डेटम लाइन से मैच कर रहा है 15 नंबर का डेटम लाइन से मैच कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे 0.1 से गुणा करोगे कितना आएगा वही, तो इसका जो जाएगा 0.15 आपका क्या जाएगा इसका यहाँ पे डिजाइन आ जाएगा ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे वन डे स्केल, तो वन डे स्केल को देखेंगे तो वन डे स्केल में क्या है, अब ये हम ये देखेंगे जो थिंबल डिजाइन है उसके बाद वन डे स्केल की कौन सी वाली लाइन मैच कर रही है, ये सपोज करो ये 6 नंबर की लाइन आपकी यहाँ पे मैच कर रही है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे फिर 0.006 मिलीमीटर आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने अब दोबारा बता रहा हूँ आपको, तो मेन तो पहले मैंने मेन डिजाइन फुल एमएम वाले लिए हैं तो वो कितने 12 मिलीमीटर, उसके बाद सब डिजाइन यानी कि हाफ मिलीमीटर वाले देखे तो कितना था 0.5 मिलीमीटर हमारे यहाँ से निकल चुका था। उसके बाद हमने देखा कि थिंबल डिजाइन, जब हमें पता है कि थिंबल डिजाइन के एक भाग का मान कितना है 0.01 मिलीमीटर है, तो 15 हमारे थिंबल डिजाइन निकल चुके थे आगे, तो 15 का भाग का मान कितना आ जाएगा, अगर इसको 15 से भाग करोगे तो कितना 0.015 मिलीमीटर आपका यहाँ से आ जाएगा। अगर हम उसके बाद देखें वन डे डिजाइन, तो वन डे डिजाइन आपका काम बना हुआ है इसी के ऊपर जो बेरस लिया हुए हैं डेटा लाइन के ऊपर क्या वन डे डिजाइन बना हुआ है, तो इसकी कौन सी वाली लाइन मैच कर दी 6 नंबर वाली लाइन आपकी मैच कर दी, कौन सी नंबर वाली 6 नंबर वाली, यानी कि प्रत्येक का भाग का मान कितना था, तो प्रत्येक का जब मैंने बताया कि वन डे माइक्रोमीटर जो होता है उसका जो डिस्काउंट होता है कितना होता है 0.001 मिलीमीटर, यानी कि एक माइक्रोन शुद्धता इसकी होती है, तो ये कौन से नंबर का 6 का, और 6 को आप 0.001 मिलीमीटर से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा वही 0.006 मिलीमीटर आपका यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग आप यहाँ से जोड़ लोगे तो आपका क्या है वन डे माइक्रोमीटर की रीडिंग आपकी यहाँ से आ जाएगी, तो 6 और 5 कितने 11 और 2 और यहाँ पे 5 ठीक है। उसके बाद देखो तो 12 जैसे जैसे तो आपका कितना रीडिंग आ गई 12.521 मिलीमीटर के आ गई आपकी इसकी रीडिंग आ गई। इसकी वन डे माइक्रोमीटर में 3 डिजिट तक हम रीडिंग ले सकते हैं, और जो माइक्रोमीटर था उसमें कहां से ले रहे थे ओनली 2 डिजिट तक हम उसकी रीडिंग ले पा रहे थे, तो ये किसकी है वन डे माइक्रोमीटर रीडिंग है, और उसके पहले जो बताया थी किसकी थी वो माइक्रोमीटर की रीडिंग थी, उसमें ये वन डे स्केल नहीं था, ये वन डे स्केल बनने के कारण क्या है 3 डिजिट तक इसकी माप ले सकता है। तो 2 चीजें मैंने बता दी कौन कौन सी, एक उसकी वो जीरो एरर कैसे चेक किया जाता और जो दूसरी चीज थी क्या थी इसकी रीडिंग हो गई। तो फ्रेंड्स इसके 2-4 पॉइंट्स और हैं जिनको आप ध्यान रखना, जैसे कि जो आपका माइक्रोमीटर होता है इसको किसके द्वारा धुला जाता है, तो इसको कोई पानी वगैरह से धुलते नहीं, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के घोल द्वारा धुला जाता है, तथा इसमें एक तो यह हो गया कि आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड द्वारा माइक्रोमीटर धुला जाता है, तथा जो इसमें जीरो एरर आता है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के जीरो एरर होते हैं,
तो उसको किसके द्वारा सही किया जाता है, तो उसको सीरीज स्पिनर द्वारा सही किया जाता है। सीरीज स्पिनर से कैसे सही किया जाता है, जैसे माइक्रोमीटर है इसके पीछे एक होल बना होता है, तो उस जो बैरल को आगे पीछे एडजस्ट करके उसके जीरो को सही किया जाता है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, सीरीज स्पिनर। सीरीज स्पिनर क्या होता है, एक सी आकार का एक स्पिनर बना होता है, तो इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इसका एरर को सही करते हैं। और तीसरी चीज है इसमें बैकलेस हीटर। बैकलेस हीटर क्या होता है, जैसे इसकी जो स्पिनर में जो थ्रेड कटी हुई है उसमें टाइटनेस या लूजनेस के काम किया जाता है। कॉन्टैक्ट एरर का मतलब है कि जैसे कि इसके जो पेस है, पेस धूले मिट्टी के कण जम जाने के कारण जो एरर पे जो रीडिंग में जो एरर आता है उसको क्या कहा जाता है, कॉन्टैक्ट एरर। और इसके बाद एक आपका है रेंडम एरर। रेंडम एरर क्या है, किसी जैसे कि आपने कहीं पर रख दिया तो उसमें तापमान में वृद्धि या कमी के कारण जो इसमें एरर आ जाता है, इसके एक्यूरेसी में जो एरर आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रेंडम एरर कहा जाता है। और आप बताए स्लिप गेज। स्लिप गेज का प्रयोग कहां किया जाता है, जैसे कि 25-50 मिलीमीटर का जो माइक्रोमीटर की रेंज होती है तो उसमें जो उसकी जो शुद्धता चेक की जाती है, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये अपने आउटसाइड माइक्रोमीटर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम इनसाइड माइक्रोमीटर और इसके अलावा पढ़ेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर। तो ना वो दो माइक्रोमीटर पढ़ने के बाद हम इसके टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर 10 प्रकार के भी माइक्रोमीटर होते हैं तो उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।